फेसबुक से डेटा चोरी पर दुनिया भर में हाहाकार। ब्रिटिश कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक का डेटा चोरी किया। चोरी के डेटा का इस्तेमाल ट्रंप को जिताने में हुआ। फेसबुक डेटा से वोटर की राय प्रभावित की गई। फेसबुक डेटा चोरी की आंच भारत तक पहुंची। कांग्रेस पर लगा 2019 चुनाव के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका से मदद लेने का आरोप। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी चला रही है फेक न्यूज फैक्ट्री। सरकार ने दी चेतावनी, फेसबुक नहीं सुधरा तो करेंगे कार्रवाई। फेसबुक डेटा चोरी पर बड़ी कवरेज लगातार। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक आज देश में बच्चों से बूढ़े तक सब इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, रिश्तेदारों के अलावा पूरी दुनिया से जुड़ने का जरिया है फेसबुक। लेकिन अब फेसबुक की डरावनी कहानी सामने आ रही है। खुलासा हुआ है कि फेसबुक पर हमारी आपकी जानकारियां लीक हो रही हैं, चोरी हो रही हैं। अमेरिका से भारत तक हंगामा बरपा हुआ है। देश में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। डेटा चोरी की कहानी इतनी जटिल है कि आम लोगों को मुश्किल में समझ आ रही है। एबीपी न्यूज आपको आसान भाषा में समझा रहा है कि फेसबुक ने क्या कर दिया है आपके साथ और कैसे लोगों की जानकारी चोरी करके अमेरिका में ट्रंप को चुनाव जितवा दिया गया। मेरी सहयोगी निधि वासंदानी की यह रिपोर्ट आप बेहद ध्यान से देखिए। मेरी और आपकी तरह फेसबुक के भारत में 25 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। आपके और हमारे फेसबुक डेटा की चोरी की खबरें सामने आई हैं और आप भी हैरान हो रहे होंगे कि आखिर फेसबुक से कैसे चोरी हो सकता है डाटा, कौन से डेटा चोरी हो सकते हैं। आइए डेटा चोरी की इस सबसे बड़ी वारदात की पड़ताल एकदम शुरुआत से करते हैं। याद कीजिए वो दिन जब आपने फेसबुक अकाउंट खोला था। फेसबुक पर आते ही शुरू हो जाता है डेटा इकट्ठा करने का खेल और सबसे पहले साइन अप के लिए दीजिए अपना ईमेल आईडी, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप पुरुष हैं या महिला हैं। इसके बाद ही आपको लॉगिन की इजाजत दी जाएगी। दाखिल होने से पहले ही आप 3 महत्वपूर्ण डेटा फेसबुक के आगे समर्पण कर चुके हैं। स्टेप 1 पर आते ही आपसे मांगी गई आपके दोस्तों की डिटेल। अगर आप बिना डिटेल दिए आगे बढ़ते हैं तो फेसबुक याद भी आपको दिलाता है कि फेसबुक दोस्तों के बिना बेकार है। अगले स्टेप पर आते ही फेसबुक आपसे आपकी फोटो मांगता है। आपकी जानकारी इकट्ठा करने का सिलसिला इसके बाद ही चलता रहता है। आप किन ग्रुप्स में शामिल हुए या किन ग्रुप्स पर आपने उन्हें इग्नोर किया, ये भी शामिल होता है। आपने किन पेजों को लाइक किया, जैसे हमने नरेंद्र मोदी टाइप किया, टाइप करते ही नरेंद्र मोदी के कई पेज सामने आ गए, या राहुल गांधी टाइप करते ही राहुल गांधी के पेज सेक्शन हमें मिलने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने अकाउंट पर क्लिक करते ही टाइमलाइन के अलावा अबाउट मी आता है। जी हाँ, अबाउट मी, आपके बारे में इंफॉर्मेशन। आप कहाँ काम करते हैं, आप कहाँ पढ़े हैं, आप किस शहर में रहते हैं, आपका होम टाउन क्या है, वर्क प्लेस, प्रोफेशनल स्किल, यूनिवर्सिटी, हाई स्कूल। मामला सिर्फ यही नहीं रुकता, आप कौन सी भाषा जानते हैं, कितनी भाषा जानते हैं, आपके धार्मिक विचार क्या हैं, आपके राजनीतिक विचार क्या हैं, आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है, आपके परिवार में कौन कौन है, आप कौन कौन सा खेल पसंद करते हैं, आपको कौन सा म्यूजिक पसंद है, आपके टीवी प्रोग्राम्स, पसंदीदा टीवी प्रोग्राम्स, आपकी किताबें, हर चीज फेसबुक आपसे पूछता है। आप ये भी जान लीजिए, जब आप फोटो अपलोड करते हैं, अपना फोटो आईडी अपलोड करते हैं, तो फोटो अपने साथ बहुत सी जानकारी लिए होता है। यहाँ तक कि फेसबुक अपने आप चेहरों को पहचान भी लेता है। कई बार आप जब टैग करने जाते हैं तो पहचान भी सामने आ जाती है। आप कब कहाँ गए यानी लोकेशन जानने के लिए तो फेसबुक को पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती। यहाँ तक सब कानूनी है क्योंकि इसके लिए आपने फेसबुक को अनुमति दी है। फेसबुक इस डेटा को अपने विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल करता है, इस वादे के साथ कि इस जानकारी को किसी और के साथ साझा नहीं किया जाएगा। लेकिन पिछले कई सालों से एक बड़ा खेल चोर दरवाजे से खेला जाता है। फेसबुक ने बहुत सी एप्लीकेशंस को फेसबुक को रोचक बनाने के लिए जगह दी। दुनिया के बाकी लोगों की तरह आपने और हमने भी इन एप्लीकेशंस पर गेम्स खेले, मजाक भरी तस्वीरें और पोस्ट भी बनाए। लेकिन इसी बहाने हमने इस एप्लीकेशंस को भी अपनी डेटा का इस्तेमाल की इजाजत फेसबुक को दे दी। लेकिन कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक की कमजोरी को ढूंढ निकाला। इसने फेसबुक के इस सारे डेटा को बिना अनुमति के, बिना इजाजत के पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे आप कहाँ गए, आपने किस पेज, ग्रुप या शख्स को लाइक किया, इसे नाम दिया गया डेटा हार्वेस्टिंग।
यानी इस प्राइवेसी की बात फेसबुक करता रहा है, उन सारे नियमों की कैम्ब्रिज एनालिटिका ने धज्जियां उड़ा दी। अब जरा सोचिए कि कैम्ब्रिज एनालिटिका को ये पता है कि कितने लोगों ने नरेंद्र मोदी का पेज एक महीने में लाइक किया और कितनों ने अनलाइक कर दिया। जैसे राहुल गांधी के समर्थन वाले पोस्टर्स पर कितने लाइक आ रहे हैं, पहले कितने आते थे, किस शहर से किस पार्टी के प्रति रुख क्या है, कितने शख्स किस पार्टी के लिए कट्टर हैं या कितने हवा के साथ चलते हैं, ये सारे डेटा इन कंपनियों के पास इकट्ठा हो जाते हैं और इसी हिसाब से पार्टियां अपनी रणनीति तैयार कर सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हर व्यक्ति का एक पर्सनालिटी प्रोफाइल इन कंपनियों के पास तैयार हो जाता है, वो भी ईमेल और फोन नंबर के साथ। अब मान लीजिए चुनाव से पहले असमंजस में मौजूद शख्स को किसी खास पार्टी से जुड़े मैसेज फोन और ईमेल भेज सकती है। यानी कंपनियां फेसबुक के इस्तेमाल करने वाले के विचार बदलने की ताकत रखती हैं। यही चीज इन्हें सबसे खतरनाक बनाती है। तो ये वाकई बेचैन करता है, कैसे आपकी हमारी बेहद निजी जानकारी फेसबुक तक पहुंच रही है और वो लीक हो रही है और उसका हो रहा है गलत इस्तेमाल। दरअसल फेसबुक डेटा चोरी का ये विवाद इतना ज्यादा तब बढ़ा जब खुलासा हुआ कि फेसबुक के 5 करोड़ यूजर्स का डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की ब्रिटिश कंपनी ने एक ऐप के जरिए चुरा लिया और उस डेटा का इस्तेमाल उसने चुनावी कैंपेन में अपने फायदे के लिए किया। जैसे ही स्टिंग ऑपरेशन के जरिए इसका खुलासा हुआ तो कंपनी ने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव अलेक्जेंडर निक्स को सस्पेंड कर दिया। डेटा चोरी के बाद फेसबुक के शेयर में भारी गिरावट हुई जिससे उसे करीब $40 अरब यानी 26,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। कल रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग को बेहद कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि अगर भारतीयों का डेटा चोरी हुआ तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। उधर कांग्रेस का कहना है कि जब खुद मोदी जकरबर्ग को अपना दोस्त बचा चुके हैं तो फिर क्या कहा जा सकता है। मिस्टर मार्क जकरबर्ग, यू बेटर नोट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द आईटी मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वी वेलकम द फेसबुक प्रोफाइल इन इंडिया द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, बट इफ एनी डेटा थेफ्ट ऑफ इंडियंस इज डन टू द कोल्यूजन ऑफ फेसबुक सिस्टम, दिस शैल नॉट बी टॉलरेटेड। We have got stringent power under IT Act. We shall use it, including summoning you in India. M for Modi, M for Mark Zuckerberg, दोनों भाई भाई, उन्होंने ही तो कहा था। Facebook के हेडक्वार्टर पर कौन गया था? पहले प्रधानमंत्री वही तो हैं जो गए थे। और इस आरोप प्रत्यारोप के बीच फेसबुक डेटा चोरी स्कैंडल पर पहली बार फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग का भी बयान आया है। जकरबर्ग ने माफी तो नहीं मांगी है लेकिन गलती जरूर मानी है। जकरबर्ग ने कहा है कि यूजर्स के डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, यूजर्स के डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। मार्क जकरबर्ग का ये बयान आया है पहली बार इस पूरे स्कैंडल के बाहर आने के बाद। जकरबर्ग ने डेटा चोरी पर गलती मानी है लेकिन माफी नहीं मांगी है। उन्होंने कहा है कि यूजर्स के डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। क्या कहा है जकरबर्ग ने आपको बताते हैं। जकरबर्ग ने गलती मान ली है लेकिन माफी नहीं मांगी है। डेटा लीक पर जकरबर्ग ने फेसबुक की गलती मानी है, डेटा सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, ये कहा है फेसबुक के मार्क जकरबर्ग ने। अगर हम इसमें फेल होते हैं तो ये हमारी गलती है, यानी गलती मान रहे हैं मार्क जकरबर्ग। डेटा लीक पर कई कदम उठाएंगे, डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। पूरे डेटा लीक स्कैंडल पर जकरबर्ग ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, गलती मानी है लेकिन माफी नहीं मांग रहे हैं। डेटा चोरी पर बोले मार्क जकरबर्ग, फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जकरबर्ग और इस पूरे विवाद के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है मार्क जकरबर्ग ने। डेटा चोरी पर गलती मानी है, यूजर्स के डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। डेटा लीक की खबरें आते ही फेसबुक के करोड़ों यूजर्स बेचैन हैं और उस पर मार्क जकरबर्ग ने डेटा चोरी पर मानी है गलती। ये है ABP News, आपको रखे आगे।